हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं पुणे जूलॉजिकल पार्क। और यहाँ क्योंकि आज हम संडे को आए हैं तो काफ़ी ज़्यादा रश है। देखिए एक बार कितना रश है। और अब हम चल रहे हैं अंदर और दिखाते हैं कि अंदर कैसा व्यू है, क्या है और आपको ये इंटरेस्टिंग लगता है। तो एंट्री करते के साथ पहले आपको ये वाला व्यू दिखेगा, अच्छा लग रहा है ये तो काफ़ी। दिखाते हैं मंकीज, ये देखिए फ्रेंड्स इनका चल रहा है क्लीनिंग सेशन। ये लोग खुद ही में आपस में क्लीनिंग कर रहे हैं। सच में यहाँ पे एंट्री करने के बाद इतना फ्रेशनेस, इतनी ग्रीनरी और बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। मैं आपको एक बार बैक करके कैमरा दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स तो अब हम आगे बढ़े स्नेक पार्क की ओर, तो देखते हैं वहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है।
मीन्स यहाँ पे शटल सर्विसेज भी है जो आपको जू के अंदर भी ले जा सकती है। हमने शटल सर्विस ली और इसका ये बेनिफिट है कि एक तो आप कम टाइम पे भी पूरा टूर कर सकते हैं, प्लस आपको ये जगह जगह पे रोक के और भी जो एनिमल्स वगैरह का जहाँ स्पॉट है वहाँ पे ये रोक के दिखाते भी हैं। हम लोग को टोटल यहाँ पे 2 आवर्स लगे थे पूरा विजिट करने में। फ्रेंड्स आज का वेदर बहुत ही अच्छा था तो शटल में और भी मज़ा आ रहा था, क्योंकि ठंडी हवा लग रही थी तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा तो। फ्रेंड्स ये वन टाइम विजिट तो है, यहाँ पे कोई ज़्यादा एनिमल्स नहीं थे, बट हाँ अगर आपका मूड फ्रेश करना हो, आपको ग्रीनरी पसंद है तो उस अकॉर्डिंग ये जगह आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ सब कुछ, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। और हमने यहाँ पे टाइगर भी देखा, लेपर्ड भी देखा। और बेयर भी था यहाँ पे। फ्रेंड्स आज का हमारा ये जूलॉजिकल पार्क का ट्रिप और कह सकते हैं एक टूर ख़त्म होता है, और उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ।